हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया है कि आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, और इसके अलावा हमने आपको सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंजिंग करना बताया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कॉमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर वन ऑफ का यूज हुआ रहता है तब आप उसको पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, जब भी वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा और इसके बाद एक प्लूरल नाउन आया होगा, इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा जिसमें वन ऑफ आया होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा और एक प्लूरल नाउन आया होगा, तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो उसको आप पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। सबसे पहले, हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। अब इसमें देखिए वन ऑफ का यूज यहाँ पे हुआ है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है द बेस्ट, और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन आया हुआ है प्लेयर्स। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सुपरलेटिव के और इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो, वन ऑफ आया हो और आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको याद रखना होगा कि जब भी वन ऑफ का यूज हुआ रहे और उसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो सबसे पहले आप उसमें वेरी फ्यू का यूज कर देंगे। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें हम पॉजिटिव बनाते समय नो अदर का यूज करते थे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय नो अदर का यूज करते थे, बट जब वन ऑफ का यूज हुआ रहता है तो यहाँ पे आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना होगा। अब वेरी फ्यू के बाद देखेंगे इसमें जो एडजेक्टिव है इसके बाद आया हुआ जो फ्रेज है उसको लिखेंगे प्लेयर्स इन द टीम, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द टीम, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द टीम। अब इसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब इसमें इज है लेकिन अब यहाँ पे प्लेयर्स है जो कि प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे अब आपको प्लूरल वर्ब लिखना है आर, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द टीम आर, और इसके बाद आपको एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, तो जाएगा एज, और बेस्ट का द बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड होगा, तो एज गुड, फिर एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिख देना है हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या। तो इस तरीके से आपको चेंजिंग करना होगा जब भी वन ऑफ का यूज हुआ रहेगा और उसके बाद एक सुपरलेटिव डिग्री आया होगा। सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया हुआ है उसको आपको लिखना है, तो एडजेक्टिव के बाद आया हुआ था प्लेयर्स इन द टीम, तो हो गया वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द टीम, और फिर इसमें भले ही सिंगुलर वर्ब होगा लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, फिर जो पहला सब्जेक्ट है इसको उठा के लास्ट में रख देना है, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द विलेज। अब यहां पे भी देखिए वन ऑफ का यूज हुआ है और फिर ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री आया है द मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसके बाद एक प्लूरल नाउन आया हुआ है गर्ल्स। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे तो आपको अभी भी बताया गया सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए किसका यूज करना है, वेरी फ्यू का यूज करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे वेरी फ्यू का यूज कर देंगे, और इसके बाद देखना है कि एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया हुआ है क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव यहाँ पे ब्यूटीफुल है, इसके बाद एक गर्ल्स इन द विलेज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स इन द विलेज, ये हो गया वेरी फ्यू गर्ल्स इन द विलेज, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको वर्ब लिखना है जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे इज है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, अगर यहाँ वॉज रहेगा तो यहाँ पे वर हो जाएगा, तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन द विलेज आर, और इसके बाद एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखना है, और द मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव क्या होगा, केवल ब्यूटीफुल, तो जाएगा एज ब्यूटीफुल, और फिर एज का यूज करके आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा। अब इन दोनों का मतलब क्या है फ्रेंड्स, राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द विलेज, यानी कि राधा इस गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है, यानी कि उस गांव में और भी सुंदर लड़कियां हैं लेकिन उनमें से एक राधा भी है,
तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि राधा ही सबसे सुंदर है, यहाँ पे कहा गया है कि उस गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक राधा भी है, यानी कि कुछ और लड़कियां भी सुंदर हैं उस गांव में। तो इसलिए इसको बनाया गया कि वेरी फ्यू इन गर्ल्स इन द विलेज, यानी गांव में बहुत ही कम लड़कियां आर एज ब्यूटीफुल, उतनी सुंदर हैं एज राधा, जितने की राधा। तो इस तरीके से दोनों का सेंस अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम कंपेरेटिव पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी वन ऑफ का यूज हुआ है और इसके साथ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आया है और प्लूरल नाउन भी आया है। तो कैसे इसको आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको इसमें वेरी फ्यू का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू के बाद हमें क्या देखना है, क्या चीज लिखना होगा वेरी फ्यू के बाद, वेरी फ्यू के बाद हमें देखना है कि इसमें जो वन ऑफ यानी जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया हुआ है उसको आपको लिखना है। एडजेक्टिव इसमें ग्रेटेस्ट है और फ्रेज क्या है, लीडर्स इन इंडिया। तो हो जाएगा वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया। अब इसके बाद हम क्या चीज लिखेंगे, किसका यूज करना है इसके बाद, तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी तक वर्ब नहीं आया है, तो इसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है। वर्ब इसमें क्या है, वॉज है, लेकिन यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो ये लीडर्स यहाँ पे है प्लूरल नाउन है, तो वॉज का यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो इसमें ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, तो हो जाएगा एज ग्रेट एज। अब एज के बाद पहला सब्जेक्ट आपको लिखना है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो ये बन जाएगा वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया वर एज ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने वन ऑफ वाले सेंटेंसेस को सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना सीखा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन आपको दे दिए जाए कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए, तब आप उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि कंपेरेटिव डिग्री हमेशा मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है कि हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, हार्दिक पांड्या की बात हो रही है। तो अगर इसको हमें कंपेरेटिव बनाना है तो हमें स्टार्टिंग मेन सब्जेक्ट से ही करना होगा, यानी कि हार्दिक पांड्या यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, हार्दिक पांड्या। और इसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब इसमें इज है तो यहाँ भी इज ही आएगा क्योंकि हार्दिक पांड्या सिंगुलर है, तो हार्दिक पांड्या इज। और इसके बाद क्या करना है, जो इसमें सुपरलेटिव डिग्री है उसका कंपेरेटिव डिग्री आपको लिखना है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, बेस्ट का कंपेरेटिव क्या होता है, बेटर होता है, तो यहाँ पे बेटर हो जाएगा, हार्दिक पांड्या इज बेटर। और कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका यूज होता है, देन का यूज होता है, तो यहाँ पे देन का यूज करेंगे। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि कंपेरेटिव डिग्री जो पहले रूल बताए गए हैं कंपेरेटिव डिग्री के, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें केवल एक छोटा सा अंतर है। पहले आप इसमें एनी अदर का यूज करते थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे इसके वहाँ पे देन के बाद एनी अदर लगाते थे, बट यहाँ पे आपको मेनी अदर का यूज करना है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ आया होगा तब उसको कंपेरेटिव बनाते समय केवल आपको छोटा सा डिफरेंस इसमें करना है, जहाँ पे एनी अदर था उसके जगह पे मेनी अदर कर देना है। और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद वाला जो फ्रेज है प्लेयर्स इन द टीम, ये यहाँ पे लिख देंगे, प्लेयर्स इन द टीम। ये हो गया, हार्दिक पांड्या इज बेटर देन मेनी अदर प्लेयर्स इन द टीम, यानी कि हार्दिक पांड्या टीम में कई अन्य प्लेयर्स से ज्यादा अच्छे हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द विलेज। अब इसको अगर आपको कंपेरेटिव बनाना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट आएगा जो कि है राधा। अब राधा तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यहाँ पे इज ही रहेगा, राधा इज। और वर्ब के तुरंत बाद आपको कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना है, इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल है तो कंपेरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा। अगर मोस्ट लगा है यानी कि कंपेरेटिव में क्या आएगा, मोर आएगा, तो हो जाएगा राधा इज मोर ब्यूटीफुल। और इसके बाद देन का यूज आप कर देंगे, देन के बाद आपको एनी अदर नहीं बल्कि यहाँ पे मेनी अदर का यूज करना है,
तो यहाँ पे हो जाएगा देन मेनी अदर. अब कौन सा फ्रेज आया इसमें, गर्ल्स इन द विलेज, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स इन द विलेज. तो इस तरह से आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं जब भी उसमें वन ऑफ आया होगा. तो चलिए अब ये जो तीसरा एग्जांपल है ये आपको बताना है. जैसे यहाँ है सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया, और इसको आपको कंपैरेटिव बनाना है. तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग किससे करेंगे, मेन सब्जेक्ट से करेंगे जो कि क्या है, सुभाष चंद्र बोस. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस. और इसके बाद आप बताइए कि हम किसका यूज करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बाद क्या आना चाहिए. इसमें जो वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, वॉज है, तो यहाँ भी आपको वॉज का ही यूज करना है. तो सुभाष चंद्र बोस वॉज. अब वॉज के बाद क्या करेंगे, इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और इसमें एडजेक्टिव क्या है, ग्रेटेस्ट है, ईएसटी लगा है, तो कंपैरेटिव में ईआर लगेगा, यानी कि ग्रेटर हो जाएगा. सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेटर. और कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज हम करते हैं, देन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देन आ जाएगा. और देन के बाद किसका यूज करना है, एनी अदर नहीं बल्कि मेनी अदर का यूज करना है, क्योंकि इसमें वन ऑफ आया हुआ है, तो यहाँ पे मेनी अदर का यूज कर देंगे. और मेनी अदर के बाद क्या आना चाहिए, इसमें एडजेक्टिव के बाद जो फ्रेज आया हुआ है, लीडर्स इन इंडिया, तो यहाँ भी हो जाएगा लीडर्स इन इंडिया. तो ये बन गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेटर देन मेनी अदर लीडर्स इन इंडिया. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप वन ऑफ वाले सुपरलेटिव के सेंटेंस को पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं. और इसके अलावा फ्रेंड्स इसको इधर उधर करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन. मान लीजिए कि वेरी फ्यू लगा कि आपको पॉजिटिव डिग्री का दे दिया है सेंटेंस, और कह दिया कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करिए. तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी वेरी फ्यू आया होगा पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव में क्या लगाना है, मेनी अदर लगाना है. और मान लीजिए कि मेनी अदर लगा कि आपको दे दिया कंपैरेटिव सेंटेंस और बोला इसको पॉजिटिव में चेंज करिए, तो जब मेनी अदर आया है कंपैरेटिव में, तो पॉजिटिव में स्टार्टिंग किससे करेंगे, वेरी फ्यू से करेंगे. ये आपको याद रखना है कि अगर वेरी फ्यू आया है तो कंपैरेटिव में मेनी अदर, और मेनी अदर आया है तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू का यूज करना है. और अगर वेरी फ्यू या फिर मेनी अदर लगा कि कोई क्वेश्चन दिया है और उसको आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ का यूज करना होगा, और यहाँ पे जो आप नाउन लिखेंगे वो भी प्लूरल होना चाहिए. तो इस तरीके से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं. आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का एक और भी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें जो हमारा सेंटेंस दिया रहता है उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आई हैव एवर या फिर केवल आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. जैसे आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर मेट, इस तरह का जब इसमें क्लॉज आएगा लास्ट में, तो उसको आप पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे. चलिए सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और इसके बाद आ जाए कि आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स मैंने आज तक देखी है उसमें ताजमहल सबसे सुंदर है. तो यहाँ पे जो आई हैव एवर सीन आ गया है, इसको देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है कि इसको आप कैसे चेंज करें. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, पॉजिटिव डिग्री में आप इसको कैसे चेंज करेंगे. तो जब भी आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर मेट, या फिर आई हैव सीन, आई हैव मेट, इस तरह का जब भी क्लॉज आ जाएगा लास्ट में, और उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना होगा. तो सबसे पहले ये जो आई हैव एवर सीन है, इसको आप कर देंगे आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन. और अगर एवर नहीं होगा तो नॉट का यूज कर देंगे, इसमें एवर है तो नेवर हो जाएगा. आई हैव नेवर सीन सबसे पहले आपको ये लिखना है, और इसके बाद आपको सो का यूज करना है इसमें. अब यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है तो सो एज का यूज इसमें आपको करना होगा. आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटिफुल
सो के बाद आएगा पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। लेकिन इसके बाद आपको याद रखना है कि जो इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद सीधे आपको नाउन का यूज करना है, और उस नाउन के पहले आपको ए या एन का यूज करना है, ए या एन का यूज, ये कंपल्सरी है। तो हो जाएगा आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग। और इसके बाद एज का यूज करके आप पहला सब्जेक्ट लिखेंगे द ताजमहल, एज द ताजमहल। यहां पे देखिए जो नाउन है बिल्डिंग, इसके पहले ए या एन लगाना भी आप कंपल्सरी है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ बिल्डिंग एज द ताजमहल। इस तरीके से और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। यानी कि मैंने जितनी भी कहानी आज तक सुनी है या उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। अब यहां भी आ गया है आई हैव एवर हर्ड, और इसको जब आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आई हैव नेवर हर्ड, ये हो जाएगा आई हैव नेवर हर्ड। और इसके बाद सो का यूज आपको करना होगा, और सो के बाद जो इसमें एडजेक्टिव है उसका पॉजिटिव डिग्री लिखना है, और मोस्ट इंटरेस्टिंग का पॉजिटिव केवल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो सो इंटरेस्टिंग। और इसमें किसकी बात हो रही है, स्टोरी की बात हो रही है, तो उसके पहले ए या एन का यूज करना होगा, और स्टोरी के पहले आ का ही यूज करेंगे, आई स्टोरी। आई हैव नेवर हर्ड सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी, और उसके बाद एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट यहाँ पे दिस है, और यहाँ पे दिस कर देंगे, हो गया आई हैव नेवर हर्ड सो इंटरेस्टिंग अ स्टोरी एज दिस। इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया कि कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय आपको हमेशा स्टार्टिंग करना होगा मेन सब्जेक्ट से ही जिसके बारे में बात हो रही है। तो पहले वाले सेंटेंस में ताजमहल की बात हो रही है, इसलिए स्टार्टिंग करेंगे द ताजमहल से। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा द ताजमहल, और इसके बाद वर्ब का यूज करना है, इसमें इज है तो यहाँ पे इज लगा सकते हैं, द ताजमहल इज। और इसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको वो नाउन भी लिखना होगा, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी हो जाएगा, बिल्डिंग, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और इसके बाद आपको देन का यूज यहाँ पे करना होगा, और देन के बाद आपको ये पूरा का पूरा क्लॉज ही लिखना होगा, जो कि है आई हैव एवर सीन, हो गया द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग देन आई हैव एवर सीन। इस तरीके से अगर आपको इसको चेंज करना होगा कंपैरेटिव में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मेन सब्जेक्ट है दिस, ये इसी से स्टार्टिंग करना होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा दिस, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे इज, और फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर इंटरेस्टिंग, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। और इसके तुरंत बाद नाउन भी आ जाएगा, स्टोरी, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इसके बाद देन लगा के आपको लिखना होगा आई हैव एवर हर्ड, देन आई हैव एवर हर्ड। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारा ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे, जिसमें 10 से 15 एक्सरसाइज होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको रिमूव टू बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमारा अगला टॉपिक होगा रिमूव टू, जिसमें आपको टू को हटाना होता है।